आईपीटेक में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आइए, संडे है आज और हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एकदम कमाल की ताजा खबरें। काफी ज्यादा मेहनत करते हैं हम आप सभी के लिए खबरें चुन चुन के लाने में। थोड़ा सा आप भी आपका प्यार एंड सपोर्ट को दिखाते हुए, थोड़ा सा मोटिवेट करते हुए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे आप जब इससे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, जिससे टेक्नोलॉजी रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हो आपके पास सबसे पहले। तो आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं एप्पल से। एप्पल का स्विफ्ट स्टूडेंट चैलेंज होता है हर साल, जहां पर जो स्टूडेंट्स होते हैं हर एक कंट्री के स्टूडेंट कुछ न कुछ नई चीजें दिखाते रहते हैं जो उन्होंने बनाया होता है। अब यहां पर एक काफी अच्छी बात है कि भाई ये जो एप्पल स्विफ्ट स्टूडेंट चैलेंज था, जहां पर हमारे भारत के आसमी जैन जीत चुके हैं। जी हाँ, ये चैलेंज जहां पर उनकी एज ओनली 20 साल की है और ये इंदौर से बिलोंग करते हैं। उन्होंने एक नई ऐप को डेवलप किया है जहां पर जिनकी आई कंडीशन बेटर नहीं होती है, जी हाँ, जैसे कि पेरेंट्स हो गए, उनको देखने में परेशानी वगैरह होती रहती है, तो ये जो ऐप उनको पूरी तरीके से हेल्प करेगी, ऐसा कहा जा रहा है। और ये जो ऐप है वो कहा जा रहा है बहुत ही जल्दी हमें ऐप स्टोर में देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, और ये ऐप के फीडबैक पर और बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया जाएगा, ऐसा आसमी जैन का कहना है। वैसे बात काफी अच्छी है कि भाई कोई भी काम हो, हम इंडियंस पीछे कभी नहीं हटते। क्या सोचे आप इसके बारे में, कमेंट में जरूर से बताइए। सैमसंग की बात करते हैं। सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज, यानी ये जो लाइनअप आने वाली अगले साल, इसकी कुछ रूमर्स पैक्स निकल के आना अब शुरू होने वाला है। जी ऐसा लग रहा है। अब कहा जा रहा है S24 अल्ट्रा, ये जो स्मार्टफोन होगा ये लाइनअप में, जिसमें हमें 3x टेलीफोटो कैमरा जूम सेंसर देखने को मिल जाएगा, पर जो 5x कैमरा जूम वाला जो फीचर है उसको हटा दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। एंड 10x टेलीफोटो कैमरा जूम सेंसर, इसको माइनर इंप्रूव किया जाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। और साथ ही साथ कहा जा रहा है 4 कैमरा डिजाइन को कंटिन्यू रखने वाला है सैमसंग S24 सीरीज की लाइनअप में, तो ये वैसे अच्छी बात है। और सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज जो आएगी, जिसमें कहा जा रहा है वेरिएबल जूम वाला जो फीचर है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। अब देखते हैं कि भाई S24 सीरीज में हमें क्या कुछ और नया देखने को मिल जाता है, इस बात का इंतजार है। जी हाँ, वीवो की बात करते हुए, वीवो ने अपना V29 Lite 5G ये जो स्मार्टफोन है फाइनली लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, और यही स्मार्टफोन के अगर कुछ स्पेक्स के बारे में बात की जाए तो ये जो स्मार्टफोन जिसमें हमें 6.78 इंच की FHD+ AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेशर के साथ, Qualcomm Snapdragon 695 चिपसेट की भयंकर ताकत देखने को मिल जाएगी, 64+2+2 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 16 मेगापिक्सल फ्रंट सेल्फी कैमरा, 5000mAh बैटरी, 44 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स, 6GB रैम, 128GB स्टोरेज, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, IP54 रेटिंग। और यही स्मार्टफोन की कीमत की बात की जाए तो इंडियन करेंसी के हिसाब से ये आपको मिल जाएगा 31,900 रुपए के आसपास। और ये जो स्मार्टफोन वो कहा जा रहा है बहुत ही जल्दी हमें भारत में भी देखने को मिल जाएगा Vivo V29 सीरीज के साथ। जी हाँ, और ये स्मार्टफोन अगर इसी कीमत पर लॉन्च किया जाता है भारत में तो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा प्राइस हो जाएगी, और प्राइस ही हो जाएगा। अब देखते हैं कि Vivo V29 Lite स्मार्टफोन को किस कीमत पर लॉन्च किया जाता है भारत में, इस बात का इंतजार है। जी हाँ, Infinix की बात करते हुए, Infinix ने अपनी InBook X2 Slim सीरीज को लॉन्च कर दिया है भारत में, जहां पर यही जो लैपटॉप की सीरीज है जिसके के कुछ स्पेक्स के बारे में बात की जाए तो भी FHD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 65 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, टाइप सी पोर्ट के साथ, तो ये अच्छी बात है। इंटेल कोर 11 जेन चिपसेट का इस्तेमाल किया गया इन्हीं लैपटॉप्स में, और ये जो लैपटॉप की सीरीज है जिसमें हमें i3, i5, i7 जैसे चिपसेट का इस्तेमाल देखने को मिल जाता है, और हर एक चिपसेट के साथ 2 वेरिएंट को लॉन्च किया गया है। जी हाँ, तो ये वैसे काफी अच्छी बात है। और यही लैपटॉप सीरीज के अंदर आने वाला सबसे किफायती लैपटॉप, जो कि इंटेल i3 चिपसेट के साथ आता है 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ, जिसकी कीमत रखी गई 27,990 रुपए। ये दोस्तों समझ लीजिए कि बजट फ्रेंडली लैपटॉप है। जी हाँ, और काफी एग्रेसिव कीमत पर इसे लॉन्च किया गया, और यही लैपटॉप सीरीज का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, जो कि 16GB रैम 1TB स्टोरेज के साथ देखने को मिल जाता है। और यही लैपटॉप की अगर कीमत की बात की जाए तो 50,990 रुपए रखी है, तो काफी अच्छी बात है। और ये लैपटॉप को अगर आप खरीदना चाहते हो इन सीरीज में से कोई भी लैपटॉप को, तो आप इसे 9 जून से फ्लिपकार्ट पर जरूर से चेकआउट कर सकते हो। जी हाँ, Redmi की बात करते हैं। Redmi 12 ये जो स्मार्टफोन है काफी टाइम से बातें चल रही है, बहुत सारी सब्सक्रिप्शन वेबसाइट पर भी आ चुका है, और ये स्मार्टफोन का लॉन्चिंग काफी ज्यादा नजदीक है। जी हाँ, बहुत ही जल्दी ग्लोबल मार्केट में ये लॉन्च होने वाला है।
कहा जा रहा है भारत में भी बहुत ही जल्दी आएगा। और यही स्मार्टफोन के कुछ स्पेक्स के बारे में बात करें तो ये 6.79 इंच की FHD प्लस 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आने वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। MediaTek Helio G88 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है। कैमरे की बात करें तो 50+8+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 8 मेगापिक्सल फ्रंट सेल्फी कैमरा, 4GB रैम, 128GB स्टोरेज, 8GB रैम, 256GB स्टोरेज, एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा, 5000 mAh बैटरी, 18 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। और यही स्मार्टफोन की कीमत की बात करें तो भाई हमें पोर्टुगल वेबसाइट पर देखने को मिल जा चुका है 209.99 यूरो पर, यानी इंडियन करेंसी के हिसाब से अगर बात की जाए तो कुछ 18,700 रुपए के आसपास हो जाता है। अब देखते हैं भाई ये जो स्मार्टफोन हमें भारत में कितनी जल्दी देखने को मिल जाता है और स्पेशली इसे किस कीमत पर लॉन्च किया जाता है, इस बात का इंतजार है। जी हाँ, मोटोरोला की बात करते हैं, मोटो रेजर 40 सीरीज बहुत ही जल्दी भारत में लॉन्च होने वाली है क्योंकि मोटो रेजर 40 सीरीज टीज हो चुके हैं अमेजोन पर। जी हाँ, लैंडिंग पेज देखने को मिल जा चुका है। अब लैंडिंग पेज तो आ चुका है पर डेट क्या है इसका अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। मोटो रेजर 40 अल्ट्रा ये जो स्मार्टफोन है वो एक्सक्लूसिवली अमेजोन पर सेल होने वाला है। अब देखते हुए मोटो रेजर 40 सीरीज हमें कितनी जल्दी देखने को मिल जाती है और इसे किस कीमत पर लॉन्च किया जाता है, इस बात का इंतजार है। जी आईको की बात करते हुए आईको नियो 7 प्रो ये जो स्मार्टफोन है वो कहा जा रहा है बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है भारत में। और ये स्मार्टफोन बैच होने वाला है आईको नियो 8 स्मार्टफोन का जो कि हाल ही में चाइना में लॉन्च किया गया है। और ये स्मार्टफोन का जो इंडियन वेरिएंट है क्योंकि गीक बैच पर स्पॉट किया जा चुका है वहां से पता लग रहा है कि भाई ये स्मार्टफोन में हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 चिप से देखने को मिल जाएगी, 1.5K OLED इस पे देखने को मिल जाएगी 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, और साथ ही साथ 16GB रैम, 256GB स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। और ये जो स्मार्टफोन वो कहा जा रहा है कुछ 38,000 से लेकर 40,000 के बीच में देखने को मिल सकता है। और ये जो स्मार्टफोन वो कहा जा रहा है 20 जून को भारत में लॉन्च होने वाला है। टिकवी तो पिंच ऑफ सॉल्ट, अब देखते हैं कि भाई इसे किस कीमत पर लॉन्च किया जाता है भारत में, इस बात का इंतजार है। जी हाँ, एप्पल की बात करते हुए एप्पल आईफोन 14 प्रो मैक्स ये जो स्मार्टफोन है जिसका 128GB स्टोरेज के साथ आने वाला जो वेरिएंट है इसकी कंपोनेंट कॉस्ट यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकलकर बाहर आ चुकी है। जी हाँ, कितनी है पता है? $464, यानी अगर इंडियन करेंसी के हिसाब से अगर बात करें तो हो जाते हैं कुछ 38,400 रुपीस। जी हाँ, और ये स्मार्टफोन को सेल किस कीमत पर किया जाता है? $1,680, यानी इंडियन करेंसी के हिसाब से अगर बात की जाए अप्रोक्स तो 1,39,000 रुपीस। यानी समझ लीजिए भाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड जो सेलिंग प्राइस है इसके बीच में 1,00,000 रुपीस का फर्क देखने को मिल जाता है। जी हाँ, काफी बड़ी बात है, इसे क्या कह सकते हैं? इट्स कॉल्ड ब्रांड वैल्यू। जी हाँ, क्या सोचा आप किसके बारे में कमेंट में जरूर से बताइए। व्हाट्सएप की बात करते हैं, व्हाट्सएप अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को और बेहतर करने के लिए कुछ न कुछ नए फीचर्स लाता रहता है। व्हाट्सएप पर दो नए फीचर्स हमें अभी फिलहाल देखने को मिल जा रहे हैं जो कि नए फीचर है, एक है एडिट मैसेज, दूसरा है चैट लॉक। ये दोनों ही फीचर्स काफी बेहतरीन है और अब कहा जा रहा है व्हाट्सएप पर हमें सिक्योरिटी रिलेटेड भी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि हमारे गवर्नमेंट ने दबाव बनाया था ना, इसके चलते ये हो रहा है। जी हाँ, व्हाट्सएप पर हमें बहुत ही जल्दी प्राइवेसी हब करके फीचर देखने को मिलने वाला है जहाँ पर हमें 3 फीचर देखने को मिल जाएंगे। प्राइवेसी बाय डिफॉल्ट, जहाँ पर आपका नंबर कोई फाइंड नहीं कर सकता, ना आपके मैसेजेस वगैरह कोई देख सकता है प्राइवेट मैसेज, तो ये काफी अच्छी बात है। दूसरे फीचर की बात करें तो भी ऑटोमेटिक स्पैम डिटेक्शन, यानी ये जो फीचर है काफी काम आएगा। आपको कोई भी स्कैमस्टर कॉल कर रहा है, कोई भी स्पैम नंबर कॉल कर रहा है तो व्हाट्सएप पहले से उसे आइडेंटिफाई कर लेगा, अगर स्पैम नंबर निकला या फिर स्कैम अकाउंट निकला तो उसे पूरी तरीके से ब्लॉक कर देगा, तो ये काफी अच्छी बात है वैसे। और ये जो फाइनल फीचर है वो काफी काम आने वाला है सभी यूजर्स के लिए जिसका नाम है एडवांस सेफ्टी वार्निंग्स। अगर आपका कोई व्हाट्सएप अकाउंट हैक करने की कोशिश कर रहा है, जी हाँ, पूरी तरीके से उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, तो ये व्हाट्सएप जो है वो सेफ्टी वार्निंग्स भेजेगा जहाँ पर उनको वेरिफिकेशन के लिए, आइडेंटिटी के लिए शायद उनका आधार कार्ड या पैन कार्ड देना होगा, तो ये काफी अच्छी बात है, इसके बिना वो अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकते। और ये जो फीचर है मेरे हिसाब से सभी के लिए बहुत ही ज्यादा काम में आने वाला है। आप हमें ये बताइए आपको व्हाट्सएप के जो नए सिक्योरिटी हब में आने वाले फीचर्स है वो कैसे लगे, क्या सोचे आप इसके बारे में कमेंट में जरूर से बताइए। काम की दिल की बात करते हैं, अगर आपको चाहिए एक नेक बैंड वो भी कम कीमत में, थोड़ा बजट टाइट है और वो भी बेहतरीन ब्रांड का, तो ये जो डील आपके लिए डेफिनेटली काम की होने वाली है। OnePlus की ओर से आने वाले OnePlus के बुलेट Z2 ये जो नेकबैंड है वो फिलहाल बहुत ही बेहतरीन कीमत में भी आपको Amazon पर देखने को मिल जा रहे हैं। और यही नेकबैंड के अगर कुछ फीचर्स के बारे में बात की जाए तो 10 मिनट के चार्ज पर 20 आवर्स का प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाएगा, 30 आवर्स तक की बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगी,
बॉम्बे स्टिक बेस देखने को मिल जाएगा, जो साउंड क्वालिटी आउटपुट है वो काफी बेहतरीन होने वाला है। और यही नेकबैंड की अगर कीमत की बात की जाए तो ये भी आपको अमेज़न पर देखने को मिल जाएगा सिर्फ 1599 रुपए में। काफी बेहतरीन डील है, अगर आपको चाहिए तो आप इसे जरूर से चेकआउट कर सकते हैं, उसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गेमिंग की बात करते हैं, ब्लड बॉर्न ये जो गेम है जो कि रिमास्टर्ड होके आने वाली है PS5 पर, और साथ ही साथ डेवलपमेंट का काम चल रहा है PC पर पोर्ट करने के लिए, और ये काफी बेहतरीन ग्राफिक्स के साथ आएगी रिमास्टर होने के बाद ऐसा कहा जा रहा है। और ये जो गेम है वो कहा जाए 24 मई को हमें शायद देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं कि ये जो गेम है हमें कितनी जल्दी देखने को मिल जाती है, इस बात का इंतजार है। तो बस आज की टेक न्यूज़ खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे आप जरूर से नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए कीप ऑलवेज स्माइलिंग, स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।